बिग बॉस के घर में टास्क के दौरान शमिता, निशांत और रश्मि देसाई के बीच में हुआ बड़ा झगड़ा। आखिर किस वजह से और किस बात को लेकर ये तीनों आपस में ही झगड़ पड़े हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशवी एंड वेलकम टू आवर चैनल। जी हाँ, बिग बॉस के घर में साइकिल टास्क के दौरान जो है प्रतीक का सपोर्ट निशांत कर रहे थे और तेजस्वी को सपोर्ट जो है वो रश्मि देसाई कर रही थी। अब इस दौरान बहुत सारी चीजें हुई जहां पर निशांत को ये पसंद नहीं आया कि शमिता ने जिस तरीके से कि तेजस्वी को बाहर करके और फिर बाद में उसी का सपोर्ट करने लगी, तो यहाँ पर निशांत भड़क उठे और वहीं पर जो रश्मि देसाई है वो भी भड़क उठी क्योंकि वो तेजस्वी को सपोर्ट कर रही थी। हालांकि इन तीनों में एक बड़ा झगड़ा देखने को मिला जहां पर बहुत सारी बातें ये तीनों एक दूसरे से करते हुए नजर आए हैं। इवन निशांत जो है वो शमिता शेट्टी और रश्मि देसाई दोनों से ही अपने दोस्त प्रतीक सहजपाल के लिए लड़ते हुए नजर आए हैं। भले इस दौरान बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, साइकिल टास्क ये जो टास्क करवाया गया है ये प्रतीक सहजपाल और साथ ही में तेजस्वी प्रकाश दोनों में से कोई एक VIP निकल कर आए इसलिए ये टास्क करवाया गया है। लेकिन इस टास्क के दौरान बहुत सारे लड़ाई झगड़े, बहुत सारी चीजें जो है घर में देखने को मिल रही हैं। हाल फिलहाल अगर देखा जाए तो शमिता शेट्टी और निशांत भट्ट दोनों अच्छे दोस्त हैं और प्रतीक सहजपाल के भी दोनों अच्छे दोस्त हैं, लेकिन टास्क के दौरान जो है कहीं ना कहीं इनकी दोस्ती जो है वो अलग और बल्कि जो गेम के लिए एक दूसरे को खड़ी खरी खोटी सुनाने के लिए जो है दोनों आगे रहे हैं और कहीं ना कहीं निशांत जो है वो प्रतीक सहजपाल के लिए लड़ते हुए भी नजर आए हैं। वेल, आपकी क्या रिएक्शन है इसको लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप शमिता शेट्टी, निशांत और रश्मि देसाई की इस कॉन्वर्सेशन पर कमेंट सेक्शन पर जरूर शेयर कीजिए। बिग बॉस से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।